सामने के मेवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अबाउट 200 ग्राम चने, जो कि मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 स्मॉल साइज का अनियन चॉप कर लिया। और यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल साइज का टमाटर, उसकी प्यूरी बना ली है। और यहाँ पे स्पाइसेस यूज होने वाले हैं सॉल्ट और टर्मेरिक पाउडर। तो सबसे पहले हम इसको कुक करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पैन और उसमें मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल। तो चले आए स्टोव की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया हुआ है, इसका स्टोव ऑन किया और इस पे मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ये अबाउट 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन और इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। देखें प्याज ब्राउन होने पे मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया, अब इसको मैं चाहती हूँ इसके साथ और थोड़ी देर कुक कर दूँ। और इसको हल्का ब्राउन होने पे फिर मैं इसकी टमाटो की प्यूरी इसमें ऐड करूँगी। इसको थोड़ी देर कुक करते हैं ब्राउन होने तक। जरा गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो अब मैं इसमें 1 ही टेबल स्पून पानी का डालती हूँ, पानी का चूल्हा लगाऊंगी और इसको ड्राई होने पे मैं इसमें ऐड करती हूँ टमाटर प्यूरी, जो कि मैंने 1 ही टमाटर की बनाई है। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ये डालने वाली टमाटर प्यूरी, अब इसको थोड़ी देर से कुक करती हूँ। अब ये देखें टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये नाइसली कुक हो गया। तो अब मैं इसमें चने ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैंने बॉइल कर ली हूँ ऑलरेडी। ये मेरे ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसमें अब मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें टर्मेरिक और सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे चने ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल 1/2 कप डालूंगी पानी का और इसको 5 मिनट के लिए कुक करती हूँ ताकि ये नाइस से ड्राई हो जाए पानी। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ 1/2 कप और इसको मैंने बंद कर दिया लिड और हम चटनी की तरफ चलते हैं, जो कि इसमें यूज़ होने वाली है। आइए अब हम इमली की चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने इमली की बगैर गुठी होंगे मैंने उसका पानी निकाल लिया, जो कि मैंने उसको 1 कप पानी में डाल के रखा था ओवरनाइट। तो ये इमली का पानी लिया और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो चॉप कोरिएंडर और 1 ग्रीन चिली जो कि चॉप कर ली हुई है, और मैंने इसमें टमाटो केचप 2 टीस्पून लिया और इसमें मैंने खजूरें ली हैं तकरीबन चॉप करके 2। और इसमें जो स्पाइसेस यूज़ होने वाले हैं वो है चाट मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर और 1 चुटकी लिया मैंने गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है क्यूमिन सीड पाउडर।
तो आइए अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं। ओके, मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राइंडर में डाली, तो अब मैं इसको चटनी बनाने के लिए ग्राइंड करने लगी। बहुत ही मज़े की चटनी रेडी है, केचप का टच है और बहुत मज़े की है। ये मैंने चटनी रेडी कर ली, तो चले आए अब हम चने की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसका लीड ओपन किया और इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि ये पहले ही पके हुए हैं, तो अब हम इसमें सही जल गया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जो कुछ भी हो। अब मैं आपको इसके स्पाइसेस नोट करवा दूं जो कि मैं चने में डालने वाली हूँ। इसमें मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, इसमें मैंने लिया है गरम मसाला, इसमें मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, इसमें मैंने लिया है काला नमक, इसमें मैंने लिया है ज़ीरा, इसमें मैंने लिया है ऑल पर्पज़ सीजनिंग, और इसमें मैंने लिया है हल्दी, और लिया है चाट मसाला। तो अब हम सारे स्पाइसेस को चना में ऐड कर लेते हैं। ये चने बिल्कुल गल चुके हैं मैं, तो अब मैं सारे स्पाइसेस में डाल देती हूँ। ये जो है इसको नाइस कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से गल गए। तो अब हम इसके थोड़ा सा देखिए गल करके देखें, गल चुके हैं बहुत नाइस। तो अब हम ये देखें, इसको मैंने भून लिया, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया क्योंकि ये अच्छी तरह गल गए। तो अब इसमें मैं 2 कप पानी डाल के इसको पका लेती हूँ। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए और इसके बाद हम समोसों की तरफ चलते हैं। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं बनाने वाली हूँ हरी चटनी, तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया, पुदीना, और इसके लिए मैंने लिए है लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन वाली 3 मिर्चें, नमक और 3 जवे लहसुन के, और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो अब हम इन सबको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी ग्राइंडर में, अब मैंने इसको ग्राइंड करी, अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो इसको मैं बाउल में सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी हरी चटनी रेडी, अब मैं इसको सर्व कर लिया। ये देखिए व्यूअर्स, अब मेरे चने ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैंने मैश कर लिया, हाफ मैश, और बहुत ही नाइस लग रहे हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। हमारे चने रेडी, मैं समोसे डाल के अब इसकी सर्विंग करती हूँ। अब इसकी सर्विंग के लिए मैंने पहले समोसे इसमें कर लिए, अब मैं इसकी टॉप लेयर जो है चने लगाती हूँ। तो चने की लेयर लगा ली है। अब इसके बाद मैं सैलड में कैबेज, इसका बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है, वैसे जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं सैलड के लिए। तो मैंने कैबेज और मैंने अनियन, इसको धनिया, और मैं टमाटर, ग्रीन चिली, ये सारा सब स्प्रिंकल कर दिया। थोड़े से मैं बचाऊँगी गार्निश के लिए। अब मैं इसमें चटनी की लेयर लगा देती हूँ। अब मैं इसमें योगर्ट, जो कि मैंने सिर्फ पानी गार्लिक किया था, इसमें
प्लेन योगर्ट और इसकी एक लेयर लगा दी। इसके बाद मैं इस पे चटनी इमली की चटनी डाल दी। अब मैं इस पे हरी चटनी के लिए लगा रही थी। अब इस पे फिर मैं एक लेयर जो है वो योगर्ट की लगा रही थी। अब इसकी गार्निश कर लो अपना जो सैलेड मैंने थोड़ा सा इसका मैं साइड्स पे। ये मैंने टॉप पे इसकी गार्निश कर दी। अब इसके मैं कैबेज थोड़ा सा सैलेड डाल दे। और इस पे मैं एक दो समोसे इसकी गार्निश कर दी। अब इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं चाट मसाला। अब इसको स्प्रिंकल कर दिए। ये देखिए मेरे नाइस समोसा चाट रेडी है। बहुत मज़े की लग रही है देखने में और बहुत ही स्पाइसी है। आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपको मिलती हूँ एक रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।